हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ इसके बारे में। ये है बोरोलिन। सबने सुना होगा, सबने यूज़ की होगी। हर किसी के घर में बोरोलिन बोरो प्लस मिल ही जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आजकल इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि हम ऐसी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, पर एक्चुअल में ये बहुत अच्छे से काम करती है। और बोरोलिन के बारे में आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि ये एक्ने को भी दूर करती है, दाग धब्बों को भी दूर करती है। तो अभी कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही थी। तो मैं इसको कैसे यूज़ कर रही थी कि एक दो घंटे के लिए इसको यूज़ कर लिया। जब कभी भी मुझे ड्राइनेस लगती है तो मैंने इसको एक दो घंटे के लिए यूज़ किया है दिन में। कभी ओवरनाइट यूज़ नहीं किया, पर अभी कुछ दिनों से मैंने इसको ओवरनाइट यूज़ किया करना शुरू किया। एवरीडे नहीं, पर वीक में दो तीन दिन जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह ले रही हूँ कि अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो मुझे जब भी हाइड्रेशन की एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। सच में अच्छा काम करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं कहूँगी कि मार्केट में जो ये महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र आते हैं उनसे कहीं अच्छा काम करता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसको विंटर्स में ही यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्योंकि अगर इसको गर्मियों में या किसी और मौसम में यूज़ कर लिया तो बैंड बच जाएगी। ठंड में ड्राइनेस रहती है तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत रहती है जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट हो सके, तो काफ़ी सही है। एक्ने को ठीक करता है। बहुत ज़्यादा मतलब एक्ने हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है आपकी स्किन की, तब यूज़ नहीं करो। पर नॉर्मली एक दो दाने हो गए हैं तो आप उसमें इसको लगाते हो, आपको असर दिखेगा। ऐसे ही अगर आपको स्पॉट्स हैं और सब कुछ करके थक गए या नहीं कुछ सूट कर रहा है, एक बार इसको भी यूज़ करके देख लो। 35-40 रुपए का है पर काम बहुत अच्छा करता है और काफ़ी पुराना भी है। काफ़ी मतलब बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसमें और भी आते हैं। बोरोलिन भी बहुत सारे डिफरेंट बॉटल्स में आने लगे हैं, पर ये जो है ना ये सबसे पुराना है और सबसे अच्छा है। तो वैसे तो मैं आजकल जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ, मतलब काफ़ी दिनों से ही जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ हमेशा चेक करती हूँ ये किन चीज़ों से मिलके बना है, पर हमेशा हर विंटर्स में मैं इसको यूज़ करती हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं देखा था कि ये बना किन चीज़ों से है। तो अभी मैंने इसको देखा कि भाई ये किन चीज़ों से बना हुआ है, इसमें कोई हार्मफुल चीज़ें तो नहीं हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे स्किन को सूट करेंगी या नहीं। तो आजकल मैं ये सारी चीज़ें देखने लगी हूँ। तो ये जो क्रीम है ये मिलकर बनी हुई है टंकन आमला, जिसको बोरिक एसिड कहते हैं, जो कि फंगल इन्फेक्शन से स्किन को प्रिवेंट करती है। इसके कारण ही कहा जाता है कि जो बोरोलिन है किसी भी फंगल इन्फेक्शन या कट हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, उनमें बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो टंकन आमला है इसमें 1% दिया हुआ है। मतलब कितने अच्छे से, मतलब बहुत दिनों बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं देख रही हूँ जिसमें क्वांटिटी भी दी गई है कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी यूज़ की गई है। और फिर इसमें यूज़ किया गया है जसद भस्म, जिंक ऑक्साइड जिसको कहते हैं, और ये 3.1% यूज़ किया गया है। तो जिंक ऑक्साइड सबको पता होगा सनस्क्रीन में यूज़ किया जाता है, सन से प्रोटेक्ट करता है स्किन को और जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही साथ सनबर्न जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। तो जिंक ऑक्साइड ऑलमोस्ट सारे ही सनस्क्रीन में यूज़ किया जाता है और सन से यूवी रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मैं ये भी है इसमें फिर लिखा हुआ है भैसज्या रत्नावली एंड रस तरंगनी। ये एक बुक है जिसमें बहुत सारी मेडिसिंस, औषधियाँ, जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिंस होती हैं उनके बारे में बताया गया है। वहीं से शायद इस क्रीम के को बनाने का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और इसमें यूज़ किया गया है मिनरल ऑयल। तो जो मिनरल ऑयल है वो हाइड्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है और पैराबेन वैक्स है। तो पैराबेन वैक्स शायद से बेस के लिए यूज़ किया गया होगा, हाइड्रेट भी करता है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्किन को हाइड्रेट करती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं, इसलिए अगर आप इसको 2-3 दिन तक ओपन नहीं करोगे ना तो बाहर ऑयल ही ऑयल आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। और इसमें यूज़ किया गया है लेनोलिन, अगेन ये भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है, साथ ही साथ रैशेज हुआ, ड्राइनेस हुआ, इन सारी चीज़ों को दूर करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ इसमें परफ्यूम है, इसकी फ्रेग्रेंस
आई थिंक सबने यूज़ किया होगा, तो पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा तीखी है, पर क्योंकि मैं हमेशा इसको लिप्स पे यूज़ करती हूँ या कभी कभी मेरे ये एल्बो पे या फिर हील्स पे, क्रैक्ड हील्स पे यूज़ करती हूँ, तो यूज़ करते करते मैं यूज्ड टू हो गई उसकी फ्रेगरेंस की। पर एक्चुअल में फ्रेगरेंस थोड़ी सी तीखी है, अगर आपको फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम रहती है तो इसको यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रेगरेंस तो इसमें है बहुत ज़्यादा है और फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको दिन में एक दो घंटे के लिए यूज़ करती हूँ, पर अभी कुछ दिनों से मैं इसको ओवरनाइट यूज़ करने लगी हूँ, जो कि मैं एवरीडे नहीं करती हूँ क्योंकि ऑयली स्किन पे एवरीडे ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए, पर हाँ कभी कभी करना चाहिए, आपकी स्किन एक अलग ही ग्लो करेगी। और कई बार होता है ना कि जैसे मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन पे कई बार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो वो सारी ड्राइनेस इससे ख़त्म हो जाती है। तो ये मतलब आप ऑयली स्किन है तो वीक में एक दो दिन यूज़ कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए, और आप एक दो घंटे के लिए ऐसे ही मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करते हो तो एवरीडे भी कर सकते हो। ड्राई स्किन है तो इसको ले ही लो, बहुत अच्छा है, और ड्राई स्किन वाले एवरीडे इसको यूज़ कर सकते हैं। बस अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, तो जब भी आप इसको ओवरनाइट लगा के रखते हैं तो आपका जो भी पिलो कवर है, पिलो केस है, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें डर्ट, इसको लगाने के बाद स्किन पर डर्ट चिपकेगी, गंदगी चिपकेगी, तो आपको कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो हमेशा आपका बेडशीट, बेड कवर, पिलो कवर सब कुछ एकदम क्लीन होना चाहिए। इसको लगा के बाहर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि बाहर जाएंगे फिर डर्ट चिपकेगी तो इन्फेक्शन्स हो सकते हैं। तो घर पे ही रहें जब भी आप इसको लगाएं, और बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने इसको यूज़ करने से पहले स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन किया और फिर इसके बाद स्टीम लिया, इसके बाद इसको अप्लाई करती हूँ, और इसको अप्लाई करने के बाद मैं आधा घंटे तक इसको ऐसे ही लगे रहने देती हूँ। और क्या होता है, जब आप कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई करते हो जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को और चिपचिप बना सकती है, तो वो क्या करती है, आधा घंटे 15-20 मिनट में ही आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा। तो जब भी आप इसको लगाते हो, बहुत ज़्यादा अगर फेस पे ऑयल आ जाता है तो आप उसको टिश्यू पेपर से रिमूव कर दीजिए और फिर उसको ओवरनाइट लगे रहने दीजिए। जब आप इसको अपने रूटीन में इंक्लूड कर लोगे तब आपके दाग धब्बों पे भी काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो बिल्कुल आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, अगर आप सिंपल चीज़ों में विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें भी स्किन पे अच्छा काम कर सकती हैं, और तो बिल्कुल आप इसको यूज़ करके देखिए। मुझे तो काफ़ी हद तक पसंद आया। रेगुलर यूज़ मत करना, ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा अगर एक्ने है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है एक्ने का, तब यूज़ मत करना। तो बिल्कुल आप इसको यूज़ करके देखिए, रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।